हाय, दिस इज रवि शाह फ्रॉम फिल्म शॉपिंग। आज हम ये वीडियो में बताना चाहते हैं कि रैप वर्सेस पेंट, रैप के बेनिफिट्स क्या है, पेंट के बेनिफिट्स क्या है, रैप किनको करवाना चाहिए, पेंट किनको करवाना चाहिए। रैप जो है इट इज़ फॉर जिनको कम टाइम में, मतलब इट इज़ लेस टाइम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और पेंट इज़ मोर टाइम टेकिंग। जिनकी गाड़ी को कुछ रिफ्रेश करना है, नया लुक चाहिए, तो हम सजेस्ट करते हैं रैप। मगर जो गाड़ी में डेंट है, जो गाड़ी बहुत ख़राब है, उनका मेटल पार्ट बहुत ख़राब है, अपर फिनिश बहुत ख़राब है, तो उनको हम पेंट सजेस्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रीमियम कार हो, कार का कंडीशन बहुत अच्छा है, तो वी विल डेफिनेटली सजेस्ट गो विद द रैप बिकॉज इट इज़ लेस टाइम टेकिंग। एंड सेकेंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ रैप इज़ वो कार के ओरिजिनल कलर को डैमेज किए बिना होता है, और जब भी हम निकालते हैं तो उसमें कोई भी एडहेसिव या कोई भी मार्क्स रहता नहीं है। सो कार का ओरिजिनल कलर वो ऐसे ही इंटेक्ट रहेगा। रैप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो फिनिशेज हम बोलते हैं वो पेंट में पॉसिबल नहीं होता है, और अगर होता है तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। फॉर एग्जांपल टेक्सचर्ड रैप, क्रोम रैप, साटिन फिनिश, साटिन क्रोम, वेलवेट टच, दिस ऑल आर द ऑप्शंस ओनली विच इज़ इन द रैप एंड इट इज़ नॉट इन द पेंट। सो जिनको अपनी कार को रिफ्रेश करना है, नया लुक देना है, कार का पेंट अच्छा है, कार का सरफेस अच्छा है, गो विद द रैप। जो गाड़ी में बहुत सारे डेंट है, मेटल रस्ट बहुत सारा है, तो और उनको सिर्फ रीस्टोर करना है, तो गो विद द पेंट। सो रैप वर्सेस पेंट, आई होप आई हैव गिवन यू अ कंप्लीट नो हाउ। नाउ द बिगेस्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर इज क्वालिटी रैप वर्सेस लॉट मटेरियल रैप। एनी मैन्युफैक्चरर्स, जो भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स है, आई सजेस्ट गो विद द क्वालिटी, मतलब गो विद द मैन्युफैक्चरिंग रैप, नॉट विद द लॉट मटेरियल। बिकॉज लॉट मटेरियल जो होता है वो सब इट इज़ लॉट, मतलब जो मटेरियल नहीं बिकता है या जो मटेरियल में प्रॉब्लम्स है वो मटेरियल मार्केट में सेल होता है, विच इज़ इन 40-50,000 में जो रैप होता है। आई डोंट सजेस्ट टू एनी ऑफ द कार लवर टू गो विद दैट रैप बिकॉज उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका फिनिश इज़ नॉट सो गुड। और वही चीज़ अगर आप क्वालिटी रैप करते हो, सो उसके अंदर दो बेनिफिट ये है कि सबसे पहले उसका फिनिश बहुत अच्छा होगा, सेकेंड थिंग उसका एडहेसिव बहुत अच्छा होगा, और थर्ड थिंग वो वैल्यू फॉर मनी है। जैसे आज 40-50,000 का आप रैप करते हो एंड अगर वो 2-3 महीने में अगर वो पील ऑफ होता है तो इट इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी। एंड वही चीज़ अगर आप रैप करते हो और वो 5-4 साल, बिकॉज एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच आर द क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स, दे गिव 4-5 ईयर्स ऑफ वारंटी ऑफ पीलिंग एंड फिनिश। सो सिलेक्ट दैट रैप, सिलेक्ट गुड क्वालिटी एंड 100% उसका जो दिख के आएगा गाड़ी, उसका जो लुक आएगा, वो आप अगर दोनों कार अगर सामने सामने रखो तो यू विल नॉट सिलेक्ट एनी वे 40-50,000 वाला रैप। यू विल रैप स्टार्ट्स विथ 70,000 एंड इन एंड स्टिल 1,50,000 एनी क्वालिटी रैप। सो डोंट चूज लो मटेरियल, डोंट चूज सस्ता, डोंट चूज लॉट रैप, ओनली चूज क्वालिटी रैप मैन्युफैक्चरर्स। एंड रैप आर मेड फ्रॉम द कास्ट फिल्म्स, सो सिलेक्ट कास्ट फिल्म्स, ड्यूअल कास्ट फिल्म्स, दैट विल गिव यू अ सुपीरियर इफेक्ट एंड अ लॉन्ग ड्यूरेशन। वी हैव मेड केके विनाइल रैप इन द वेरना कार, इट इज़ ब्लूइश ब्लैक, मीन्स अगर उसके ऊपर जब सन रेज होता है तब इट टर्न्स टू लिटल बिट ब्लू, एंड वैसे नाइट में इट विल लुक लाइक ब्लैक और डार्क ग्रे। सो दिस टाइप ऑफ फिनिश इन पेंट इट इज़ वेरी मच कॉस्टली, और इस वेरना में हमने 1,10,000 के अंदर ये पूरी कार हमने रैप की हुई है। सो और यही चीज़ अगर पेंट में हम करने जाएंगे, पहले होना इज़ चैलेंजिंग, और सेकेंड थिंग ऐसा सेम फिनिश आना इज़ नॉट पॉसिबल, एंड कॉस्ट विल बी ऑल्सो मोर देन दैट, और साथ साथ में गाड़ी का कलर डैमेज होता है वो अलग। बट इन दिस थिंग लेस कॉस्ट, लेस टाइम, विद इन 3 डेज वी हैव कम्प्लीटेड द जॉब एंड the finish is also superior. Go through the video, check the finish. Any type of inquiry for wraps, you can just contact us or you can mention us in the comment section. Thank you very much.